थैंक यू दुआ में। ये ऑर्डर तो बहुत ही बड़ा था। क्लाइंट्स को आपके डिजाइंस बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का इससे ज्यादा खूबसूरत कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्हें हमारी मेहनत पसंद आई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम और इबादत बिजनेस मुझसे बेहतर चला सकते हो। तो मैं थैंक यू, आपको हम पे इतना भरोसा है, लेकिन इस ऑर्डर के मिलने में इबादत का कोई हाथ नहीं है। इसका हकदार कोई और है। मतलब इसकी हकदार मन्नत है। अगर मन्नत नहीं होती तो आज ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाता। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैंने तो आज से पहले बिजनेस में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। वो तो सुभान ने आज मुझे हिम्मत दी। इसलिए आज मैंने जो कुछ भी किया है उसकी सारी मुबारकबाद सुभान को मिलनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, जब भी इबादत कामयाब होकर आती है तो आप उसे शाबाशी और दुआएं देती हैं। आज मैं कामयाब होकर आई हूं, क्या मैं उस शाबाशी और दुआओं की हकदार नहीं हूं? एक्चुअली दुआ में मन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है। मन्नत के साथ अपना इंसाफी कर रही है। पर सुभान बेटा, एक मिनट अम्मी, सुभान बिल्कुल ठीक कह रहा है। जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। शाबाश मन्नत, अगर सुभान तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो तुमने जरूर कमाल दिखाया होगा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो और तुम सही रास्ते पर चलो। थैंक यू अम्मी, आपकी ये दुआ मुझ पर क्या असर कर रही है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। Thank you.